यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः तस्मी ज्येष्ठा ब्रह्मणे नम ब्रह्मणे नमः माननीय आचार्य नंदिताजी श्रीवत्त नीरज जी शास्त्री सभी विद्वज्जन पुरोहित वृंद आर्य समाज के प्रधान सम्माननीय श्री देशबंधु जी शर्मा महामंत्री श्री विजय जी गौतम कोषाध्यक्ष श्री कृष्णलाल जी महाजन आर्य समाज की उपप्रधान प्रधान माननीय कमला देवी जी पांडे ट्रस्टी श्री रमन जी चोपड़ा श्री राघव भाई जी पटेल आर्य समाज की ट्रस्टी माननीय डॉक्टर ज्योत्सना जी न्यूयॉर्क से विशेष रूप से इस वेद सप्ताह में सम्मिलित होने के लिए आई हुई माननीय डॉक्टर देवबाला जी अपना पूरा यौवन चिंतन समाज सेवा के लिए समर्पित कर देने वाले श्री सुरेंद्र जी विष्ट दूर दूर से पधारे हुए इस वेद सप्ताह में सम्मिलित होकर ज्ञान चर्चा की लेकर यहां पर उपस्थित सभी विचारशील महानुभाव हमारे जीवन का कुछ भाग ईश्वर के हाथ में है और हमारा जीवन और उसका संचालन कुछ अंशों में हमारे हाथ में है और कुछ दूसरों के हाथ में है आप आज शाम को भोजन करें या ना करें यह किसके हाथ में है आपके हाथ में पर आज आप क्या खाएंगे ये किसके हाथ में है आपके हाथ में है ना आप खाएं या ना खाएं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि विकल्प होता ही नहीं आप ट्रेन में जा रहे हैं लंबी यात्रा है घर से जो कुछ लेके चले थे वो रास्ते में खत्म हो गया अब स्टेशन पर या ट्रेन की पेंट्री कार में जो भी चरी भूसा मिलेगा वो आप खाने के लिए विवश हैं तो कुछ अंशों में दूसरों के हाथ में होता है जब आप भोजन करने लगते हैं तो हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़ना ये पूरी तरह आपके नियंत्रण में है कितना बड़ा तोड़ें छोटा या बड़ा दाल से लगा कर खाएं या सब्जी से आपका आपके मन है जैसा भी करें ये सब आपके अपने नियंत्रण में है रोटी का टुकड़ा तोड़ना मुख में डालना कितनी देर चबाना उसका स्वाद लेना यहाँ तक आपकी व्यवस्था काम कर रही थी इसके बाद जब भोजन गले से नीचे उतर गया तो डाइजेशन सिस्टम आप अपनी इच्छा से नहीं चला रहे हैं वो चल रहा है आप ये चाहें कि भोजन में कोई गलत सलत चीज अंदर चली गई है और पचने के बाद वो विकार करेगी शरीर को नुकसान पहुंचाएगी चलो डाइजेशन सिस्टम को रोक दें यह आपके हाथ में नहीं है तो हमारे शरीर में बहुत कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमारे चलाए बिना चल रहे हैं खून बह रहा है आप बहा रहे हैं उसको पूरे शरीर में घूमने वाला खून आपकी किडनीज एक घंटे में दो बार छान कर साफ कर देती हैं कब साफ कर दिया आपको पता चला उस ब्लड को छानने की प्रक्रिया में किडनी वो तत्व संभाल लेती हैं जो शरीर के लिए जरूरी हैं वो वापस शरीर में लौट जाते हैं जो नहीं जरूरी हैं जो बाहर निकल जाते हैं तो मूत्र के द्वारा वो बाहर चले जाएंगे यह सारी व्यवस्था आप अपनी इच्छा से अपने ज्ञान से अपने तंत्र से नहीं करते ये बस हो रहा है तो आश्चर्य की बात यह है कि जैसे फंक्शन मेरे शरीर में है डाइजेशन सिस्टम खून का साफ होना हृदय में पहुंचना लिवर में पहुंचना किडनीज के द्वारा उसकी सफाई वगैरह यह सारा कुछ जैसा मेरे शरीर में आपके शरीर में उनके शरीर में उनके शरीर में उनके शरीर में, उनके शरीर में सब में एक जैसी व्यवस्था चल रही है यह एक जैसापन एक जैसा होना बताता है कि ये अचानक नहीं है बाय चांस नहीं है संयोगवश नहीं है इसके पीछे चूंकि व्यवस्था है चूंकि ऑर्गेनिज्म है चूंकि ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए कोई ऑर्गेनाइजर है व्यवस्था है तो उसके पीछे व्यवस्थापक है तो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन का बहुत कुछ बहुत कुछ नियंत्रित हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ईश्वर के ही हाथ में है क्योंकि उसने जीवात्माओं को कर्म स्वतंत्रता दी हुई है और वो अगर दार्शनिक भाषा में थोड़ा सुधार कर कहें तो स्वतंत्रता भी ईश्वर की दी हुई नहीं है बल्कि जीवात्मा की स्वतः है जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है हां परमेश्वर उस स्वतंत्रता को कर्म फल के कारण सीमित कर देते हैं और वो सीमाएं आपको अलग अलग शरीरों में दिखाई देती हैं मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है बजाय एक पशु के पशु शरीर में गया हुआ जीवात्मा कर्म करने में और विचार करने में उतना स्वतंत्र नहीं है जितना मनुष्य है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पशु पक्षियों को या दूसरे कीटों को कीड़ों को छोटे छोटे प्राणियों को बिल्कुल भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है एक चींटी को इस बात की स्वतंत्रता है कि नहीं कि मैं इधर जाऊं इधर जाऊं या उधर जाऊं स्वतंत्रता है कि नहीं तो जड़ और चेतन के बीच में जो बहुत सारे अंतर हैं और कहा चेतना है कहां जीवात्मा है इसकी जो पहचान होती है उसके कई चिन्ह है कई लक्षण है सुख दुख इच्छा द्वेष, ज्ञान और प्रयत्न जहां है वहां जीवात्मा है इस कुर्सी को नहीं पता कि ये है और इस पर कोई बैठे हुए हैं इसको किसी सुख दुख का एहसास नहीं है सुखद स्थिति को पाने की इच्छा नहीं है दुखद स्थिति से बचने के लिए कोई कोशिश नहीं है आप इसको तोड़ें इसे तकलीफ नहीं होगी आप इसको पुष्पहार पहनाएं इसे कोई प्रसन्नता नहीं होगी सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान और प्रयत्न से रहित है जो वो जड़ है अचेतन है और जहां सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान और प्रयत्न दिखाई दे महसूस हो वहां पर समझ लीजिए कि जीवात्मा का अस्तित्व है एक और लक्षण किया गया है और वो है स्वतंत्रता करना न करना उल्टे ढंग से करना कर तुम अकर तुम कर तुम ये जो स्वतंत्रता है ये वही है जहां जीवात्मा है ये पंखा गतिशील है घूम रहा है लेकिन इस पंखे को यह स्वतंत्रता नहीं है कि मैं अब थक गया अब नहीं घूमता या मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं अब नहीं अब ऐसे घूमूंगा यह स्वतंत्रता नहीं है आजकल विज्ञान के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी चर्चा हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि कृत्रिम बुद्धि यानी मनुष्य के पास बुद्धि की ही तो विशेषता है तो वो बुद्धि की जो विशेषता है वो मशीन में भी डाली जा सकेगी रोबोट भी सोच सकेगा किन्होंने मुझे बात बताई मुझे याद नहीं है इतना याद है कि मैंने पढ़ी नहीं है किन्हीं साइंस में काफी दखल रखने वाले किन्हीं सज्जन ने बातचीत के दौरान मुझे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल करके रोबोट बनाए वैज्ञानिकों ने और रोबोट तो जैसा फीड कर दिया गया है प्रोग्राम उसके अंदर उसी अनुसार चलेगा रिमोट आपके हाथ में होगा इधर चलो इधर चलो जैसे मनमोहन सिंह थे रिमोट किसी और के हाथ में है तो रोबोट इस तरह चलेगा उसकी प्रोग्रामिंग किसी और ने की है जिसके हाथ में प्रोग्राम का वो तंत्र है उसके अनुसार वो चलेगा लेकिन वैज्ञानिकों ने हैरान होकर के उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना रोक दिया जब उन्होंने पाया कि वो रोबोट आपस में उन्होंने बातचीत करने के लिए कुछ कोड डेवलप कर लिए और उनको डिकोड करना उन साइंटिस्ट के लिए मुश्किल हो गया जिन्होंने उनका प्रोग्राम बनाया था इसका मतलब वहां स्वतंत्रता शुरू हो गई कि अब वो जिसके रिमोट हाथ में है उसके अनुसार नहीं वो अपनी बुद्धि से चलने लगे हो सकता है यह केवल अभी कल्पना ही हो लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि वहां स्वतंत्रता हो गई उस रोबोट में जिस दिन स्वतंत्रता हो गई समझ लेना वहां आत्मा का अवतरण हो गया है ध्यान रखने की बात है क्योंकि बुद्धि महत्वपूर्ण नहीं है बुद्धि का संचालन करने की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है आज की तारीख तक आपके हाथ में आया हुआ कंप्यूटर आपके मस्तिष्क से किए जाने वाले कामों को अधिकांश कर देता है और आपसे ज्यादा आपसे ज्यादा तेजी से कर देता है एक लाख सत्तर हजार चार सौ तेरह और पांच हजार चार सौ सत्ताईस तुरंत जोड़िए और कैलकुलेटर तुरंत जोड़ देगा और इससे भी ज्यादा बड़ी जटिल संख्याओं का सब समीकरण जोड़ना घटाना कैलकुलेटर सेकंडों में करता है आपको देर लगेगी लेकिन बस कैलकुलेटर के पास जो कंप्यूटर का ही एक छोटा छोटा सा प्रारूप मान लीजिए उसके पास यह स्वतंत्रता नहीं है कि वो यह कह सके कि नहीं इस फार्मूले से मैंने इस सवाल को हल किया जरा इस तरह हल करके देखते हैं, ऐसा वो नहीं सोच सकता ऐसा नहीं सोच सकता और नहीं करता मैं बहुत परेशान हो गया करते जाओगे सवाल मेरे ऊपर अब नहीं करता यह फ्रीडम उसके पास नहीं है तो यह फ्रीडम बुद्धि के भी पार है ध्यान दीजिए ब्रिटेन में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया लॉर्ड केल्विन लॉर्ड कैल्विन ने अपने समय में एक बात कही थी कि आने वाले वक्त में तब कंप्यूटर नहीं बना था प्रयोग चल रहे थे कैलविन ने कहा था कि आने वाले समय में मनुष्य ऐसी मशीन बना सकेगा हम साइंटिस्ट लोग ऐसी मशीन बना सकेंगे जो कि शतरंज के खेल में इंसान को हरा सके शतरंज का चेस का जो खेल है उसमें बहुत दिमाग लगता है हजारों लाखों चालें हैं और विपक्षी कौन सी चाल चल सकता है और इतन, कितनी तरह की चाल चल सकता है उसके विरुद्ध आप आगे तक की चाल सोच के रखें तो आप विरोधी को हरा पाते हैं तो हजारों लाखों चालें हैं वो सब मनुष्यों को सबको पता नहीं होती जो ज्यादा जानता है वो जीत जाता है कैलविन ने कहा कि आने वाले समय में हम ऐसी मशीन बना सकेंगे जो शतरंज के खेल में जिसमें चाल चलनी पड़ती है बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है सोचना पड़ता है जब आप शतरंज खेल रहे होते हैं तो सोचने के लिए समय निश्चित होता है आप इतनी देर सोच लीजिए विपक्षी को भी उतना ही समय मिलेगा ये नहीं कि आप सोचते ही जाएं और दो दिन सोचते रहें तो तो खेल ही रुक जाएगा इतना टाइम है इसमें सोच लीजिए तो आप कंप्यूटर को नहीं हरा सकेंगे कैलविन कहते थे कि आने वाले समय में वो मशीन बन जाएगी कि शतरंज के खेल में आप उस मशीन को नहीं हरा सकेंगे वो मशीन हरा देगी क्योंकि जितनी चालें अभी तक सारे इंसानों ने मिलकर सोची हैं हजारों साल से शतरंज का खेल खेला जाता रहा है जितनी चालें सोची हैं वो सब चाल कंप्यूटर में फीड कर दीजिए और आप कंप्यूटर को एक इंसान कंप्यूटर को नहीं हरा सकेगा कंप्यूटर हरा देगा पर केल्विन ने एक बड़ी मार्मिक बात कही थी जो आज भी सच है और आगे भी सच रहेगी लॉर्ड कैलविन ने कहा था कि हम आने वाले समय में ऐसी मशीन जरूर बना सकेंगे जो शतरंज जैसे बुद्धि वाले खेल में आदमी के दिमाग को हरा सके पर, पर हम ऐसी मशीन कभी नहीं बना सकेंगे कभी नहीं बना सकेंगे जो अपनी गलत चाल पर पछता सके और विरोधी की गलत चाल पर मुस्कुरा सके चीज नहीं आएगी जिस दिन यह आ गई समझ लीजिए वहां आत्मा है तो आ नहीं सकेगी तो आत्म तत्व आपके मस्तिष्क के फंक्शन के भी पार है मस्तिष्क का एक प्रोग्राम है एक मैकेनिज्म है उसके तहत आपके शरीर के बहुत सारे फंक्शन चलते हैं जैसे आग पर हाथ पड़ा पैर पड़ा तो मैकेनिकल प्रोग्राम है जो ईश्वर की ओर से है कि किसी चुभने वाली जलाने वाली चीज पर कांटे पर आग पर आपका हाथ या पैर पड़ गया तो तुरंत ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कोई चीज दुख दे रही है जला रही है तुरंत आर्डर आएगा और यह सेकेंड के लाखवें हिस्से में होता है तो हमको एक साथ लगता है कि एक साथ सिग्नल गया और एक साथ ऑर्डर आया कि हाथ हटाओ पर अलग अलग समय में होता है पर समय के एक लाखवें सेकंड में हाथ पड़ा सूचना गई अगले लाखवें सेकंड में फर्क आदेश आया कि हाथ हटा लो और आप हाथ हटा लेते हैं ये हुआ जो प्रोग्राम है जो मैकेनिकल प्रोग्राम है जो मशीनी प्रक्रिया है उसके तहत आपका फंक्शन हाथ पड़ा आग पर और आपने हाथ हटा लिया पर आप हैं आप मस्तिष्क के इस प्रोग्राम के पार हैं यह पता चलता है यह प्रूव होता है चंद्रशेखर आजाद अपनी क्रांतिकारी पार्टी में किसी नौजवान को शामिल करते थे तो उसका टेस्ट लेते थे टेस्ट लेते थे जल्दी मोमबत्ती पर हाथ रखो क्योंकि अंग्रेजों की पुलिस ने पकड़ लिया तो तो चार डंडे मारेगी तुम तो सारे रहस्य बता दोगे क्रांतिकारी कहां छिपते हैं कहां प्लान बनाते हैं कहां बम बन रहे हैं कहां से पिस्तौल खरीदी जानी है कहां हमला होना है तो सारा प्रोग्राम तुम तो बता दोगे इसलिए अपने धैर्य अपनी सहन शक्ति कितना तुम दुख तकलीफ सह सकते हो इसका टेस्ट दो तो जलती मोमबत्ती पर हाथ रखा अब वो नौजवान मोमबत्ती पर हाथ रखे हुए ध्यान दीजिए हाथ रखे हुए जो मैकेनिकल प्रोग्राम है जो यंत्र है आपके शरीर की जो यांत्रिक प्रक्रिया है वो तो लगातार आदेश दे रही है हाथ हटाओ हाथ हटाओ हाथ हटाओ लेकिन उसके बियॉन्ड उसके पार कोई चीज है जो ये कहती है नहीं हटाते जल जाने दो जो ये कह सकती है उस सारे मैकेनिकल प्रोग्राम के विरुद्ध जा सकती है वो आत्मा है और वो आप हैं इस शरीर के पार तो आपका शरीर आपके इंद्रिया, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि किस दिशा में चले इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करोगे तो फिर वो स्वतंत्रता सीमित कर दी जाएगी जाओ पशु शरीर में दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए थोड़ी दिए गए थे साधन तो बुद्धि को ठीक दिशा में लगाएं मन को ठीक दिशा में लगाएं इंद्रियों को ठीक दिशा में लगाएं इस संसार में इस शरीर में जो उपकरण दिए गए जो साधन दिए गए हैं उनका ठीक प्रयोग करके आप जो सुख पाना चाहते हैं वो सब प्राप्त कर सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि आपने दूसरों को दुख पहुंचाकर वो सुख के साधन अर्जित न किए हों नहीं तो उसका परिणाम सुख नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा यहां परमेश्वर का बैरियर है तो स्वतंत्रता कर्म करने तक है उसके बाद परतंत्रता शुरू हो जाती है फिर ईश्वर का कर्म क्षेत्र शुरू हो जाता है फल देना महाभारत का युद्ध हो चुका था और कोई ऋषि अपने आठ दस शिष्यों के साथ उस युद्ध के मैदान से गुजर रहे थे शायद उन्होंने सोचा हो कि मैं अपने शिष्यों को जीवन के हर पहलू से परिचित कराऊं और वो मृत्यु का तांडव देख सकें चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं घायल कराह रहे हैं उनके बीच में उनके बीच से गुजरना है तो उनको लेकर के वो जा रहे थे तो कुछ पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनी आसपास कोई वृक्ष तो था नहीं क्योंकि मैदान में युद्ध हुआ था दूर तक वृक्ष नहीं है तभी तो युद्ध हो सकेगा वृक्ष तो रुकावट बनेंगे तो आसपास कोई पेड़ नहीं है झाड़ नहीं है वृक्ष नहीं है तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज किधर से आ रही है तो ऋषि ने कहा कि पता लगाओ कौन है कौन चहचा रहा है ऐसी आवाज कहां से आ रही है तो शिष्यों ने इधर उधर देखा तो कोई हाथी जो युद्ध के मैदान में दौड़ता रहा होगा मारा गया होगा उसके गले में बंधा हुआ बड़ा सा घंटा पीतल का जो आवाज करता था टन टन की वो गिरा हुआ है जमीन पर ऐसे रखा हुआ है घंटा देखा है ना आप मंदिर में लगे रहते हैं तो हाथियों के गले में भी बड़े बड़े घंटे बांधे जाते थे अभी बैलों के अंदर बैलों गायों की छोटी छोटी घंटियां बांधी चलती हैं गर्दन हिलाती हैं तो पता चलता है कि चल रही आवाज होती है तो बड़ा घंटा जमीन पर ऐसे गिर गया था रखा हुआ था और उसमें ऊपर छेद होते तो उसमें से हवा जा रही थी और युद्ध होता रहा और उस घंटे के अंदर वो पक्षी सुरक्षित रहा कहां से आ गया था चपेट में उड़ता हुआ कैसे आ गया मालूम नहीं लेकिन वो पक्षी उस घंटे के अंदर कैद था हाथी घोड़े पैदल सैनिक इधर से उधर जाते रहे दौड़ते रहे और जहां मृत्यु नाच रही थी जहां हाथी सुरक्षित था न मनुष्य उस मृत्यु के तांडव के बीच वो एक छोटा सा पक्षी पक्षी का बच्चा उस घंटे के अंदर उसके कवच के अंदर सुरक्षित रहा तो ऋषि ने कहा देखो मृत्यु के इस तांडव के बीच मृत्यु जहां नाच रही थी चारों तरफ उसके बीच ये छोटा सा प्राणी जीवित रह गया है ये निश्चित रूप से ईश्वर ने इसकी रक्षा की तो ने कहा ठीक है मान लिया अब चलिए क्योंकि बदबू आ रही थी लाशें सड़ने लगी थी चलिए ना अब यहां से तो ऋषि ने कहा नहीं अब ये पंछी जो है ना इसको तो साथ ले चलो क्योंकि अब इसे भोजन कैसे मिलेगा इतने दिन तो जीवित रह गया यहां इस घंटे के अंदर तो रह नहीं पाएगा तो एक शिष्य ने कहा कि जिस ईश्वर ने मृत्यु के नृत्य के समय जब चारों तरफ मौत नाच रही थी सब और हाथी घोड़ा मनुष्य कोई सुरक्षित नहीं था कम मृत्यु किसको दबोच लेगी ऐसे समय जब ईश्वर ने रक्षा की तो आगे भी करेंगे ईश्वर को रक्षा करने दो हमें क्या जरूरत है आप बताइए क्या करना चाहिए क्या क्या व्यवहार किया जाए क्या करना योग्य है देखिए आप ऋषित्व की ओर बढ़ना चाहते हैं तो तर्क का आश्रय लेना पड़ेगा आचार्य अनदिता जी ने जीवन के जगत के जीवन के बहुत गहरे रहस्य की ओर इशारे किए हैं उनमें से एक ये था तर्क ऋषित्व की ओर ले जाता है तर्क का प्रयोग करने से ही आप ऋषि तो नहीं हो सकेंगे लेकिन ऋषियों के मार्ग पर चलना सुगम हो जाएगा और आपके जीवन के सुख प्राप्ति आसानी से होंगे और दुखों से आप बच सकेंगे अंधविश्वासों से बच जाएंगे और ज्ञान से बच जाएंगे जैसा कि नीरज जी कह रहे थे जरा सा भी तर्क का प्रयोग मनुष्य नहीं करता है और दुख में फंस जाता है विवेकहीनता के कारण उचित अनुचित का विवेक नहीं कर पाता तो बताइए क्या करना चाहिए इस प्रश्न का क्या उत्तर है जिस ईश्वर ने रक्षा की वो यह आगे करेगा हमें पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत है नहीं ड्यूटी क्यों है कैसे तय हो कि हमारी ड्यूटी है आप आप कुछ कुछ आप सब लोग सही बात कह रहे हैं क्योंकि आप प्रकारांतर से अप्रत्यक्ष रूप से ऋषियों की उस परंपरा से जुड़े हुए ज्यादा नजदीक हैं किसी एक मुसलमान या ईसाई यहूदी की बजाय आप अधिक नजदीक हैं जो भारतवासी लोग हैं किसी भी भारत में पैदा हुए धार्मिक संप्रदाय में हिंदू हो सिखो जैन हो बौद्धों कुछ न कुछ अंशों में उनकी चिंतन प्रक्रिया में वो तत्व काम कर रहे होते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो तत्व पूरी तरह हटाए नहीं जा सके हैं चाहे ईश्वर का निराश कर दिया हो ईश्वर को मानना बंद कर दिया हो जैन बौद्ध दार्शनिकों ने लेकिन और बहुत सी मूल तत्व की बातें हैं जो कि उनके अंदर वही हैं, जो वैदिक दर्शन की है। उससे बचना संभव नहीं हो सका है ना हो पाएगा जैसे ही कोई आदमी वास्तव में गहन सत्यों की तलाश शुरू करेगा उसको वैदिक ऋषियों की परंपरा के निकट आना ही पड़ेगा तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सच बोल रहे हैं बस उसको सही शब्दों में कहने की जरूरत है ऋषि ने कहा कि देखो जब तक हमने तुमने इस पंछी को चाहते चह और संकट में पड़े नहीं देखा था तब तक जिम्मेदारी ईश्वर की थी जब तुम्हारी दृष्टि पड़ गई अब गेंद तुम्हारे कोर्ट में आ गई है अब तो गेंद तुम्हारे पाले में आ गई अब ईश्वर तुम नहीं होते तो ईश्वर देखते कि इसे मरना है जिंदा रहना है ये जिम्मेदारी उनकी थी तुम तुम मनुष्य कर्म करने में ज्यादा स्वतंत्र हो अब तुम्हारी दृष्टि पड़ गई है अब यहां से तुम्हारा कर्म और उसकी परीक्षा शुरू होती है कि तुम उसको ऐसे ही मरता छोड़कर आगे बढ़ जाते हो या उसको बचाने में अपना कुछ उद्यम अपना कुछ प्रयत्न करते हो तो कुछ फंक्शन है हमारे शरीर को ही देख लीजिए ईश्वर के हाथ में कुछ हमारे हाथ में तो ईश्वर जो करेंगे उसकी चिंता छोड़ दीजिए आपको जो करना है वो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप कर रहा है कि नहीं ये फैसला आपका होगा और छोटे से लेकर बड़े किसी भी फैसले में आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे और सुख दुख का अंतर भी स्पष्ट होता जाएगा अब आपके सोचने के लिए एक, एक बात छोड़ता हूं और फिर कल मिलेंगे एक डॉक्टर ने जिनकी दवा बनाने वाली कंपनी भी है और बहुत दवाएं बिकती हैं उनकी बड़े यत्न से अपने बेटे को डॉक्टर बनाया जब उसकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई तो वो अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था या कॉलेज की तरफ से आ रहा था और अपने दोस्त के साथ दोस्त बैठा था इधर इधर और ये चला रहा था कार कार इधर बैठा चला रहा था दोस्त इधर बैठा हुआ था तो कहीं पर टोल ना का था उस टोल टैक्स लिया जाता है ना वहां से क्रॉस करते उससे पहले पूरी डिटेल मुझे नहीं पता है इसमें इस लड़के ने देखा जो डॉक्टर बन चुका है अभी अभी एक ही बेटा है अपने माता पिता की एक संतान जिसको बड़ी हसरतों से उन्होंने पाला डॉक्टर बनाया आगे भविष्य में फार्मेसी और यह सब यही संभालेगा क्लिनिक भी संभालेगा और उसको डॉक्टर बना के तैयार कर दिया है। यह रहा है उसे बचाने के लिए इसने उस गाड़ी को किसी तरह स्पीड धीमी करके और करके बचाना चाहा कि मैं इधर बचा लूं इधर बचा लूं जैसे भी उसने सोचा होगा इसके साथ जो बैठा दोस्त था इसको भी मृत्यु का संकट लगा सामने ये जो कार चला रहा है ये अपने हिसाब से बचना चाह रहा है कि इधर बचा लू इधर बचा लू इस दोस्त को क्या सूझा उसने झट से हैंड ब्रेक लगा दिया हैंड ब्रेक होता है कार में तो पैरों में होता है वो कभी फेल हो जाए तो अब कारों में हैंड ब्रेक लगने लगे और हैंड ब्रेक तुरंत लग जाता है इसने हैंड ब्रेक खींच दिया और कार वहीं रुक गई और ये जो बचाने की कोशिश कर रहा था ये नहीं बचा पाया और सामने से आते हुए ट्रक ने इसको कुचल दिया काफी घायल हो गया और जिस दोस्त ने हैंड ब्रेक लगाने की गलती की थी उसको तो चोट नहीं आई इसको घातक चोटें लगी अंदर हॉस्पिटल ले जाया गया और जैसा कि हमारे देश में होता है कि घायल पड़ा रहता है पुलिस लोग निकलते रहते हैं फिर पुलिस आएगी वो पहुंचाएगी लोग दूसरे की जिम्मेदारी समझते हैं कौन पचड़े में पड़े तो अस्पताल पहुँचाया गया तब तक ब्लीडिंग बहुत हो गई थी और अंदर पेट में खून भर गया था डॉक्टर ज्योस्ना जी जानती हैं जब ऐसी स्थिति हो जाए तो डॉक्टरों के लिए फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है और उस नौजवान को बचाया नहीं जा सका अब अब कुछ सवाल उठते हैं गलती किसकी क्या पहले से इसकी मृत्यु निश्चित थी या ये तत्काल संयोग पर ही है ईश्वर का कोई रोल नहीं है यहां और ये संयोगवश हो गया या ईश्वर की भूमिका है ऐसी स्थिति में ईश्वर दर्शक बना रहता है चाहता तो बचा सकता था कि नहीं नहीं बचाया तो क्यों नहीं बचाया दोस्त की गलती है गलती दोस्त ने की वो तो बच गया हैंडब्रेक उसने लगाया वो तो बच गया ये बेचारा मर गया रास्ते में जो लोग जा रहे थे जिन्होंने इसको उठा के जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया उनका भी कोई दोष है कि नहीं तो इसमें आप क्या विचार करते हैं कल सोच करके आइए और यहां से बात शुरू करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जीवन के सुख और दुख हैं अगर यह न हो तो न हमें ईश्वर के बारे में विचार करने की जरूरत है न जीवात्मा के अस्तित्व के बारे में विचार करने की जरूरत है न किसी समाज व्यवस्था के बारे में विचार करने की जरूरत है कि वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था होनी चाहिए कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कम्युनिज्म होना चाहिए कि कैपिटलिज्म होना चाहिए कि सोशलिज्म होना चाहिए कि चुनाव प्रणाली होनी चाहिए कि तानाशाही होनी चाहिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है बस सब होता जाएगा और सुख दुख नहीं है तो हम बिल्कुल जड़ कुर्सी जैसे होंगे चलिए एक प्रश्न और आपके दिल में उतार दूं श्री कृष्ण कहते हैं जीवन जीने का विज्ञान यह है कि आप योगाभ्यास करें और योगाभ्यास की जो शर्त है श्री कृष्ण की वो समत्व है कि आप समदर्शी हो जाएं सुख में दुख में जय में पराजय में हानि में लाभ में आप सम रह सके एक जैसा महसूस कर सकें समत्वम योग उच्चते तो मेरा प्रश्न है और श्रीकृष्ण आज होते तो मैं सीधा उन्हीं से पूछता अब मैं आपसे पूछ लेता हूं प्रश्न यह है कि इस चौकी को मारो इससे कोई तकलीफ नहीं इसको फूलहार पहनाओ इसे कोई प्रसन्नता नहीं एक पत्थर को आप ठोकर मारो हथौड़े से तोड़ दो उसे तकलीफ नहीं और उसको लड्डू मिठाई वगैरह खिलाओ या उसका सत्कार करो नीरज जी की तरह उसकी प्रशंसा करो जैसा वो सब वक्ताओं की कर रहे थे तो भी उससे कोई तकलीफ नहीं तो श्री कृष्ण क्या चाहते हैं हम पत्थर जैसे सम, सम हो जाए पत्थर तो सम है ही ऐसा ऐसा समत्व हमें सुख और आनंद तक पहुंचाएगा या बात कुछ और है तो जीवन किस तरह जिया जाए जीवन में हम कैसे ज्यादा सुखी और आनंदित हों इसी बात के लिए तो सारी चर्चाएं हैं और सारे वेद मिलकर सारे ऋषि मिलकर अगर हमें और अधिक सुखी न बना सके या सुख और आनंद के रास्ते पर चलने का मार्ग प्रशस्त न कर सकें तो उनकी उपयोगिता क्या है यही तो आखिर आखिर मूल में सारी विचार चर्चा के केंद्र में सुख और दुख का प्रश्न है तो अपनी बात आज यहीं रोकता हूं कल फिर मिलेंगे और जैसा कि नीरज जी ने आपसे निवेदन किया अब तो शायद तीन दिन और बाकी है ना तीन दिन का समय और है तो इसका अधिक से अधिक लाभ लें अपने इष्ट मित्रों को भी लेकर के आएँ और आगे की सूचना श्री नीरज शास्त्री